सुपेला थाना प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश शर्मा द्वारा दुर्ग पुलिस की ओर से अनोखी पहल रूबरू 18 जनवरी को रेशने आवास कोसा नगर से शुभारंभ किया गया। इस रूबरू कार्यक्रम में बुधवार को दुर्ग जिले की पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अनंत कुमार साहू, नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर निखिल राखेचा, उप पुलिस अधीक्षक कृष्णकांत वाजपेयी एवं उप पुलिस अधीक्षक रक्षित केंद्र नीलेश द्विवेदी उपस्थित होकर रेशने आवास कोसा नगर सुपेला की जनता से सीधे रूबरू हुए। इस दौरान SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने नगर वासियों द्वारा चिन्हित स्थानों पर लगाए गए CCTV कैमरों का निरीक्षण किया, साथ ही आम जनता से सीधा संपर्क बनाते हुए सुपेला पुलिस द्वारा किए गए वायदों के संबंध में जानकारियां भी प्राप्त की। IG दुर्ग अनंत छाबड़ा फिर के आने के बाद उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि चौक चौराहों पे पुलिस सहायता केंद्र बनाए जाए, वहाँ पे CCTV लगाए जाए, जिससे कि पूरे व्हीकल के मूवमेंट पे, संदिग्ध लोगों के मूवमेंट पे नज़र रखी जा सके। तो ये थर्ड आई की तरह है। सबसे ज़्यादा जो इस एरिया में ट्रैफिक मूवमेंट होता है सूर्या मॉल के सामने होता है, यहाँ पे मैनेजमेंट से बात की गई, उनकी मदद से CCTV कैमरा लगाया गया और हेल्प डेस्क लगाया गया। जिले भर में जितने बड़े स्कूल्स हैं, बड़े इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन हैं, उन सभी से मदद लेके उनके सामने एक एक हेल्प डेस्क खोला जाएगा, जहाँ पे पीक टाइम में जहाँ पे क्राइम होता है उस टाइम पे 112 की गाड़ी और पुलिस पर्सनल रहेंगे। इसलिए जिले भर में क्राइम में काफ़ी कमी आएगी। वैसे भी लगातार हमने सोशल मीडिया के थ्रू लोगों से आह्वान किया है कि लोग अपना वीडियो भेजें इस हेल्प सेंटर के माध्यम से, वहाँ पर तुरंत पुलिस जाके हम उनको ट्रैक करेंगे। जो लोग चाहें वो अपना GPS से, आजकल सारे मोबाइल पे लोकेशन आता है, व्हाट्सएप पे जहाँ क्राइम हो रहा है वहाँ का लोकेशन भी भेज सकते हैं, जिससे कि हम तुरंत पुलिसकर्मी को भेज के उनको पकड़ पाएंगे। जनता की मदद से हमें भरोसा है कि 2023 जो है वो काफ़ी शांतिपूर्ण रहेगा। सर, चार नए थानों का भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। रायपुर में और दुर्ग में ट्रैफिक थानों की घोषणा हुई है। चार जो है दुर्ग में हुए, चार जोन में बांटा गया है, वहाँ पे प्रभारी अधिकारी बनाए जाएंगे, वहाँ पे रोजनामचा शुरू होगा। जो एक्सीडेंट्स के इन्वेस्टिगेशन है, जो मोटर व्हीकल एक्ट में कार्रवाई है, वो तुरंत हो जाएगी, लोगों को थाने भागना नहीं पड़ेगा। लोगों को तुरंत जो इंश्योरेंस का क्लेम है उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। रोड में कुछ चीज़ें गुम होती हैं, कुछ होती हैं, तुरंत वो ट्रैफिक थाने में जाके वो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जो थेफ्ट होती है व्हीकल्स पे, वो अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते, कहीं ना कहीं जनता को इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा और स्टाफ की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि सैंक्शन पोस्ट भी बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से इससे जो यातायात एक बहुत बड़ा चैलेंज था दुर्ग पुलिस के लिए, पिछले बार 40% ज़्यादा मौतें हुई, 300 से ज़्यादा लोग जो है मारे गए, तो कहीं ना कहीं हम इस आंकड़े को भी कम करने में इस बार सफल रहेंगे।